इटावा में पुलिस पर लगा लापरवाही का गंभीर आरोप, कार्रवाई न होने पर सौदों के हौसले हुए बुलंद। छेड़खानी की शिकायत करने पर दबंगों ने पति को किया घायल। महिला ने 8 दिन पहले की थी थाने में शिकायत। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा, पुलिस कार्रवाई करती तो ऐसी घटना न होती। घायल युवक पत्नी के साथ इलाज के लिए भरतनाथ सीएससी पहुंचा। आपको बता दें, घटना भरतना थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी की है। मामला ये हुआ था 10 दिन पहले, मेरे साथ छेड़खानी की थी लड़कों ने। काशीराम कॉलोनी से लड़के रहते हैं, उन्होंने छेड़खानी की थी। उसकी एप्लीकेशन हमने थाने में जमा की। कितनी तारीख को? 2 तारीख को, पिछली 2 तारीख। उसके बाद पुलिस वाले साथ में आए, पुलिस वाले धमकाने लगे कि हमको धमकाया। आते साथे बोले, यहाँ पे किसके यहाँ रहती हो? सब गैर कानूनी अपराध वो रह रहे हैं, जगह घर घर के। लेकिन हम अपनी रिलेशन, हमने उनको बताया मेरे रिलेशन में है, वो मेरी बड़ी मम्मी लगती है, उन्होंने कॉलोनी दी है, ठीक है। क्योंकि बाढ़ आने से हम लोग के घर टूट गए, सब कुछ तकलीफ थी, उनने साथ दे दिया तो क्या गलत किया? अभी क्या मामला हुआ? अभी मामला यही था, एप्लीकेशन मैंने वापस नहीं ली, इसीलिए इनको मारा घर के अंदर घुस के। किन लोगों ने मारा? जिसके एप्लीकेशन में पहले नाम थे, जिनने आपके साथ छेड़खानी की थी, शिकायत करने पे हाँ उन्हीं के, उसी वजह से हम लोग के साथ में मारपीट हुई और धमकी भी आई थी हम लोग को। हम लोग ने थाने में ये कहा भी था, हम लोग को धमकी आ रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई 10 दिन पहले। अगर 10 दिन पहले कोई कार्रवाई होती तो आज ये नतीजा नहीं होता हम लोग के सामने। मेरी 3 साल की बच्ची पैरों से गूंज दी गई है। जब थाने में पहुंचे तो मेरे साथ में गाली गलौज की पुलिस वालों ने, बोलते तू शरीफ है, हम शरीफ नहीं है, ये कमेंट कर रहे थे। अगर हम शरीफ नहीं होते तो थाने में क्यों जाते अपनी पेपर लिखाने? ये बताओ, दोबारा शिकायत करने गए थे? मेरे फादर बोल रहे थे क्या हुआ क्या नहीं, तो उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, बस यही बोले कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। ये क्या थी कार्रवाई है? किसी की जांच नहीं है, ये कार्रवाई है? आप उन लोगों को जानती हो जिन्होंने अभी मारपीट की? हाँ, उन लोगों को जानते। कितने लोग थे? 5 लोग थे। ये 3 बजे की घटना है, ये नहा रहे थे हम, कपड़े धो रहे थे, ठीक है। वो लोग आए, बच्चों का केस था, बच्चे तो लड़ते हैं आपस में, आज लड़ेंगे कल खेलेंगे, बच्चों की लड़ाई थी। लेकिन पीछे से 2 लड़के आए, उनको हम जानते नहीं थे। अब वो आए, वो सीधा यही बोले आज खोपड़ी फटेगी, तो हमें कुछ बात कुछ घटक रही थी तो हम इन्हें बुलाने लगे, ठीक है। लेकिन उसकी औरत इतनी बुरी बुरी गंदी गंदी गाली दे रही थी, तो इनने मेरे हस्बैंड ने यही बोला पीछे जाओ अपने घर पे दो, ठीक है। तो उसका आदमी बोला मत छोड़ देंगे, फलाना कर देंगे, ठीक है। इनको गालियां देने लगे, 2 लड़कों ने पकड़ लिया, हम इनको पकड़ के अंदर ले गए, तो एक लड़का आया इतनी बड़ी पटियाले से इनके सर पे मार दी, और बोले उसका नाम था दीरूर अशरफ अली, और बोला तुम्हें जो करने है तो कर लो जाके। पहले केस का क्या हुआ? पहले भी कुछ नहीं उखाड़ पाए ना, वो कुछ उखाड़ पाओगे? वही विवाद चल रहा है, वही विवाद चल रहा है। कोई कार्रवाई नहीं थी, कोई कार्रवाई थी होती तो आज ये नहीं होता।